जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए न्यूज लेके आया हूं मैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि एमपी पुलिस फिजिकल को लेके बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं परंतु उनको आने वाली चीजों के, जो आने वाले समस्याओं का उनको ज्ञात नहीं है उसके बारे में कि क्या चीजें वाकई में ऐसी हो सकती हैं। नया अपडेट लेके आया हूं मैं, क्या नया अपडेट है हमारी तरफ से और क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहाँ पे लेके आते रहते हैं। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल से रिलेटेड हम सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, ठीक है? क्या जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या वाकई में सर एमपी पुलिस फिजिकल में हाइट, चेस्ट, आईज, आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, नॉक की हो जाएगी, ठीक है? और बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही जानना आवश्यक है। क्या इसके जरिए से क्या हम वाकई में फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में भी हम बाहर हो सकते हैं फाइनल मेरिट में? हाँ, ये चांसेस है आपके, अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो। क्या क्या चीजें हैं देखिए हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी। हम जानेंगे सर जिला अस्पताल में मेडिकल क्या क्या चीजें हैं, हाइट के बारे में चर्चा करेंगे, चेस्ट में, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आंखों को लेकर, जैसे मैं चश्मा पहने हुआ हूं ये इसमें क्या चीजें हैं, कलर ब्राइटनेस का क्या महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैटू वगैरह छपवा लेते हैं ना, उनके साथ टैटू भी है, क्या ये टैटू जो है वो हमारे लिए पुलिस में खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे कटा हुआ निशान होता है किसी ना किसी चीज का, या पास्ट में कभी ना कोई उनके कोई हादसा हो गया होगा तो जिसके निशान बन चुके हैं। बीपी को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके भी चीजें सामने निकल के आई हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कान में छेद है, बाली वगैरह पहनते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके पास हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे हम बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे लेके आते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट को, जो पॉइंट हमारा है वो है ज्वाइनिंग लेटर। देखिए जब आपके फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, जब आप फिजिकल दे दोगे उसके बाद फाइनल मेरिट में जब आपका नाम आएगा उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। यहां से कहानी स्टार्ट क्या होगी, सबसे पहले तो बच्चा आपके पास मेरे भाई क्या आएगा, एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा जिसके जरिए आपको ये लिखा रहेगा कि भैया आपकी पोस्ट जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में है। आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट आपको दे सकते हैं कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्ट है, और वहां पे आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग लेटर आपके नाम पे आ जाएगा, वहां लेके आपको ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाना है। चलो पहली पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब सर डॉक्यूमेंट देखिए, ज्वाइनिंग लेटर के बाद में आप वहां जाओगे जहां पे आपको बुलाया जाएगा, जिस थाने में या जिस क्षेत्र में या जिस जिले में आपको जब बुलाया जाएगा तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो वो आपको बाहर निकाल देंगे, नहीं, आपको एक लिमिटेड समय दिया जाएगा कि आप इस समय तक अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करा लीजिएगा अच्छे से। अगर आप बाय चांस नहीं करा पाते हैं उस समय के अंदर, उस समय के अंतराल में, तो हो सकता है आपको वहां से डिक्लेयर आपको बाहर कर दिया जाए। वैसे बहुत ही रेयर चांस होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई विद्यार्थी कोई निकल जाता है, ठीक है? चलिए उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कंप्लीट, तो हमारे स्टेप वन क्लियर हो गया, ठीक है? हमारा स्टेप वन क्लियर हो गया और स्टेप जो है टू क्लियर हो गया। अब स्टेप टू के बाद अब आती है मेन चीज जो है आपका जिला अस्पताल में मेडिकल। ये कौन सा जिला होगा, ये बच्चा वो जिला होगा जहां पर आपकी पोस्ट आपको दे दी जाएगी, जहां पर आपके जहां जिस पोस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसी जिले के अंदर आपके लिए वहां से एक गाड़ी जाएगी, जहां के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वहां पर आपको ले लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा, और वहां पे आपका मेडिकल में होगा। अब जिला अस्पताल में मेडिकल में क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले तो वहां पे आपकी हाइट देखी जाएगी। सबसे पहले हाइट आपके लिए बात की जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, जैसे अगर आप एससी एसटी से हैं, ठीक है, अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि सर आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 165 के अप्रोक्स होगी। अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, आप जनरल से हैं या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो बच्चा आपकी जो हाइट मैटर करेगी वो 168 के आसपास मैटर करने वाली है। तो ये देखो, ये चीज तो आपके फिजिकल होगा तभी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हाइट का मसला यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? अब मेडिकल हो गया, आप मेडिकल में सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी, उसके बाद जो मेन पॉइंट निकल के आएगा बच्चा वो आएगा आपके चेस्ट को लेके, ठीक है? चेस्ट भी आप लगभग से क्लियर होगा, जो कि आपने जब तैयारी की है तो आपको पता होगा 79 जो एस सी एस टी का होगा, 84 यहाँ पे आपका किसका होगा, ओबीसी जनरल कैटेगरी वगैरह का, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलो
अच्छा आंख की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि आंख का सर क्या मैटर रहेगा, आंख कितने कितने बाई कितने चाहिए। तो बच्चा 6x6 की यहाँ पे आंखों का आंखों के लिए चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। आप कैसे चेक करेंगे कि मेरी 6x6 की है या नहीं है, क्योंकि देखो इन चीजों पर अभी अमल करना होगा, क्योंकि जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं आपके फिजिकल के लिए बहुत कम समय बचेगा। तो जल्दी से आप इस चीज को रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप फिर तैयारी कैसे करेंगे, आंख की चेकिंग वगैरह कैसे करेंगे? आप निजी अस्पताल में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके आसपास में जो कोई आंख देखने वाले जो कि आपके डॉक्टर वगैरह होंगे वहां पे आप चेक करा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि देखो कलर ब्लाइंडनेस एक बेसिकली एक बीमारी होती है, बस सभी को पता है, क्योंकि इसमें एक लाल रंग और हरा रंग, ठीक है, इन दो रंग की पहचान नहीं की जा सकती है, वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। बेसिकली इसमें क्या दिया जाएगा आपके लिए, तो आप यहाँ पे आपको चेक कर लिया जाएगा। तो आप ये आंखों से संबंधित दोनों की दोनों चीजें आप अपने निजी अस्पताल में आप चेक करा के जरूर जाइएगा। ठीक है, अभी आप चेक करा लेंगे, समय है आपके पास में, काफी समय आप चेक करा लीजिएगा। वहां पे आपका एक्सरे भी किया जाएगा। एक्सरे बच्चा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा वो देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं आपके कोई हाथ अंग या वैसे कोई बॉडी का ऐसा कोई पार्ट हो जो इन पिछले समय में यानी कि पास्ट काल में भूतपूर्व में आपका टूट गया हो, जिसके जरिए से आपके हाथ में हड्डी कह सकते हैं कि आपके क्या लगी हुई होगी। ऐसा मान के चलते हैं कि सपोज करो किसी की रॉड लगी होती है, कभी फ्रैक्चर हुआ हो या हड्डी टूट गई हो, तो वो एक्सरे में यहाँ पे उनको क्लियर करना होता है। ठीक है, आपका ब्लड टेस्ट भी यहाँ पे आपको कराया जाएगा, वहां पे मेडिकल में ब्लड टेस्ट में आपको ये देखा जाएगा कि कहीं आपको बुखार वगैरह तो नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं या नहीं है। ठीक है, आपकी CBC वगैरह की जाएगी और आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप भी आपका देखा जाएगा कि इन फ्यूचर कभी आपको ऐसी समस्या आती है तो इमरजेंसी के तौर पर आपका कौन सा ब्लड ग्रुप आपको लिए चढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर के लिए। भगवान करे ऐसी कभी किसी को समस्या ना आए, पर पुलिस की जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है, तो आपके लिए हर परिस्थितियों का सामना करने की आपके लिए क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है नोकनी। अब सर ये नोकनी क्या होती है? बेसिकली नोकनी ये होती है कि जैसे हमारे दोनों पैर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पैर है और एक ये पैर है। अब बहुत से लोगों के क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, है ना, दोनों पैरों के बीच में गैप नहीं होता है। अब जब गैप नहीं होगा तो वही आपकी चीज देखी जाएगी। तो आप इसकी अगर आपके पैरों के दोनों के बीच में अगर आप गैप नहीं है, इस तरह से गैप नहीं है, तो उसकी ट्राई करो खड़े होने की, इस तरह से खड़ा होने की कोशिश करो कि आपके गैप जो है वो बन जाए, क्योंकि वहां आपके लिए समस्या आ सकती है। वो आपको चेक कराएंगे कि कहीं आपके दोनों पैरों के बीच में जब आप खड़े होते हो तो क्या वाकई में गैप है या नहीं है। ठीक है, ये मसला क्लियर हो गया। तो सारे पॉइंट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। अगर आप बच्चा अभी तक अगर आपने यहां तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार चैनल पर जुड़े हो, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ऐसी चीजें आपके लिए लेके आते रहते हैं। MP पुलिस कांस्टेबल से लेके हर एक समस्या का यहाँ पे आपको समाधान दे दिया जाएगा और सारी चीजें आपके लिए दूर हो जाएंगी। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है सर? टैटू। सर मेरे तो मैंने बचपन में सर टैटू चिपका रखा है, और क्या टैटू से कोई इशू होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, टैटू से ऐसा कोई इशू नहीं होगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कटा हुआ निशान सर मेरे गाल पे, जैसे मेरा ये गाल है, मेरे गाल पे क्या है, कुछ निशान बना हुआ है, कटा हुआ है, तो क्या ऐसे मैं कांस्टेबल से मुझे बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका भी जवाब है, बिल्कुल नहीं कर दिया जाएगा, और यहाँ पे भी आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। BP वहां पे आपको चेक कर दिया जाएगा, जैसे 1ST से 120 जो होता है, 80 to 120 वहां पे आपको चेक कर लिया जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, वो उसी समय के लिए, क्योंकि देखिए ये BP वगैरह जो होता है वो ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है इंसान का, तो ऐसी बात नहीं है, है ना। तो बस ये चीज देखी जाएगी। और लास्ट में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो कान में छेद वगैरह, जैसे कुछ लोग बाली वगैरह पहनते हैं कि सर मेरे कान में तो मैं बाली पहनता हूँ, मेरी नानी नाना जी ने दी है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है, तो इसका भी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। तो इससे आप टेंशन फ्री रहिएगा, फिजिकल की तैयारी करते रहो, है ना, फिजिकल की तैयारी करते रहो, रेडी रहो, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं, कभी भी बदलाव हो सकता है। कोई भी समस्या है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिएगा, ताकि आने वाले समय में हम चीजों को और ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए देते रहें। तो वीडियो कैसी लगी है? आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। छोटी सी वीडियो लेके आते हैं ताकि आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो कम समय में ज्यादा जानकारी आपको दे दी जाए। तो मैं ये मान के चलता हूं, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो जरूर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अपन नहीं किया है अपन लोगों से मैं फिर कहता हूं कि जल्दी सब्सक्राइब कर लो, काहे को परेशान कर रहे हो भाई मेरे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। MP पुलिस जिंदाबाद।